आपको मिलता है ये फर्स्ट क्लास चावल, जिसको हम लोग अपनी रसोइयों में ले जाते हैं और खीर बनाते हैं, पुलाव। और ये देखो, यहाँ से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। और ये मशीन है जिसमें यहाँ से जो चावल धान डाला गया है, ऊपर का छिलका, वो पहुँच जाता है इस टैंक में। और इस टैंक को यहाँ से खोल के इसका भूसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय पुंजमा ब्लॉग। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर एक भैया जी हैं, भगवान जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं। इनका नाम भी बड़ा अच्छा है, शुभ है। और आपको दिखाने वाले हैं आज एक गजब की चीज, मस्त चीज, क्योंकि मैं हर दिन नया वीडियो बना करके आपको कुछ ना कुछ नया दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ कि चलता फिरता राइस मिल। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राइस मिल लगे होते हैं, राइस मिलर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे धान से चावल निकाला जाता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चलता फिरता राइस मिल कैसे धान से चावल निकाला जाता है, वो मशीन आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक छोटी सी मशीन खड़ी हुई है, आपको लग रहा होगा कि कौन सी मशीन है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही मशीन है जो चलती फिरती राइस मिल है, यानी कि धान इसमें डालो और चावल निकालो तुरंत। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको ना किसी बड़े राइस मिल के पास जाना है और ना ही आपको कहीं दूसरी जगह जाना है। पहले गांव में छोटी छोटी धनकुट्टी चला करती थी, वो परंपरा ख़त्म हो गई है। और ये खुद गांव गांव गली गली जा करके धान निकालने का, धान से चावल निकालने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मशीन है और ये मिस्त्री जी हैं, साहिद जी, और इसके मालिक हैं इस भगवान जी। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस मशीन को यहाँ ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। और ये एक ट्रैक्टर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुबोटा, ये ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर से इसको, मशीन को जोड़ा गया है, यहाँ से शाफ्ट लगा करके इस तरीके से जोड़ा गया है। और मैं पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ, शाहिद जी, मिस्त्री जी पूरा बताएंगे। तो शाहिद जी, आप मेरे को बताइए इस मशीन का पूरा प्रोसेस क्या है, इस मशीन की कास्ट क्या है, मूल्य क्या है सबसे पहले, क्योंकि पहला प्रश्न यही होता है दर्शकों का कि ये इसकी कीमत क्या है मशीन की। 3 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये 3 लाख रुपए की मशीन आती है चलती फिरती राइस मिल, जो कि गांव-गांव गलियों-गलियों में जाकर के धान से चावल निकालने का कार्य करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय सारी चीजें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो साहिद जी, आप मेरे को बताओ कि इसका प्रोसेस क्या, कहाँ से धान डालते हो, कैसे निकालते हो, पूरा प्रोसेस आप मेरे को बताइए। जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है टैंक टाइप का, ये यहाँ पर धान डाले जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर धान डालने के बाद, उसके बाद ये लंबा सा ये एलिवेटर है, इस पे धान उठा के ले जाएगा। एलिवेटर जी। अच्छा, ये धान उठाने का कार्य करता है, फिर ये धान उठा के कहाँ ले जाता है? चलने में, धान उठा करके। अच्छा, इसे चलने में, यहाँ से आप थोड़ा सा मुझे चढ़ करके बताइएगा, जिससे कि दर्शक आसानी से समझ सके। और कूड़ा करकट निकाल देती है, कूड़ा करकट निकाल देती है ये मशीन। अच्छा, इसमें चलना लगा हुआ है, चलना लगा हुआ। उसके बाद मैंने देखा है कि ये बहुत सारे यहाँ पर जो आपने रबड़ की पट्टी चढ़ा रखी है, और इसका क्या कार्य होता है यहाँ पर? कार्य जो है, ये डबल जो है, जी जी, मतलब सेलर डबल है ये। अच्छा, डबल सेलर है, इसीलिए इस पर डबल पट्टी चढ़ाई गई है, डबल पट्टी। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर एक देखो आपकी ये लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, पाइप। इसका क्या कार्य होता है? इसका कारण ये है, धान गया इसमें से, छनके जो है इसमें आया, इससे नीचे जा करके, जी जी जी, एलिवेटर ने उठाया जी, फिर इसे जेट वाले पॉलिशर को दिया। अच्छा, यहाँ दे दिया, यहाँ चढ़ जाऊँ मैं? मिस्त्री जी, आप थोड़ा सा ऊपर आइए। दोस्तों, मैं आ गया हूँ, मशीन पर चढ़ गया हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से ये जो आप जी, इस पर क्या होता है? इसमें आने के बाद में इसमें पॉलिश लगती है। तो मींस वहाँ से जैसे धान उठ करके पहुँचा वहाँ, जी जी, और वहाँ से यहाँ पर यहाँ धान आया, धान चावल आता है, उसकी छिलका अलग हो जाता है, आती है यहाँ पर जी, बकड़ाने के बाद इसमें आती है, पहले ऊपर वाले में, फिर बाद में नीचे वाले में, डबल है पाली। अच्छा, डबल है ये भी जी। तो यहाँ से फिर चावल निकलता है, यहाँ से चावल इसमें जल। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से चावल निकालने के लिए वाकदा, देखो यहाँ से चावल निकल करके, और फिर डबल डबल चावल की यहाँ से सफाई होती है। और ये है यहाँ पर देखो, एक छोटी सी पनाला टाइप का लगाया गया है, और नीचे देखो एक तस्ला रखा गया है जहाँ तक
ये चावल बहुत ज्यादा, मैं पूरा प्रोसेस आपको अभी चलवा करके दिखाऊंगा, अभी मैं चलाऊंगा उसके बाद आप देखेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपके जस्ट पीछे साइक्लोन लगा हुआ, ये साइक्लोन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसकी पॉलिश जो आती है जी, उसमें आती बोरे में। अच्छा, बोरे में आती है, उठा करके जो पाइप द्वारा जो है लाता, मतलब ऊपर जिसको गांव की भाषा में घूटा बोल देते हैं। अच्छा, ये इसके साइक्लोन के माध्यम से पहुंच जाता है यहाँ पर। दोस्तों एक देखो, इन्होंने अपना थैला लगा रखा है, इसमें इस तरीके से घूटा निकल के चला आता है जिसको पालिश बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये किस काम में आता है? ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, इसके को बनती है, तेल बनता है। जी जी जी, वैसे जानवरों को खिलाने के भी काम में लोग ले लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये मैंने जो अभी आपको दिखाया यहाँ पर, ये वाली कैसी सेल्स कारपोरेशन जो लिखा हुआ है, मुबारकपुर टांडा अम्बेडकर नगर की बनी हुई मशीन है ये दोस्तों। और यहाँ पर ये इसका सिस्टम का काम अभी जो आपने बताया था, धान यहाँ यहीं पर तो आता है ना धान? धान इसमें अंदर जाता है जी, अंदर जो है इसमें छिलके, जी जी जी, इसमें पहले ऊपर वाले से निकला, नीचे नीचे वाले से निकल करके इसने भूसी वहाँ पे उठाई। अच्छा, यहाँ से इसकी जो भूसी निकलती है, यानी कि दोस्तों जो छिलका यहाँ से, इस मशीन का कार्य है कि यहाँ से धान का छिलका छील करके और इस पाइप के माध्यम से पीछे एक बहुत बड़ा टैंक लगा रखा, इस टैंक में सारा भूसा इकट्ठा हो जाता है जो बाद में इस गेट को खोल करके यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। क्या कि गेट खुल सकता है? अभी दिखा सकते हैं आप दोस्तों, इस तरीके से भूसी इसके अंदर जो भरी होती, देखिए ये गेट है और ये गेट यहाँ से, हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर भरी है तो मत खोलिएगा। यहाँ पर देखो दो पाए लगाए गए हैं, एक इधर और एक साइड में, जब मशीन चलाई जाती है तो शायद ये पाए नीचे कर लिए जाते हैं जिससे कि मशीन हिले डोले ना। साथ एक घंटे में इसमें से चावल कितना निकाला जा सकता है, धान से कितने क्विंटल? मतलब 3 क्विंटल धान से चावल निकाला जा सकता है एक घंटे के अंदर। और इसमें जो आपने ये लगा रखा है भगवान सिंह जी, ये जो ट्रैक्टर आपने लगा रखा है, इस ट्रैक्टर की कितनी खपत एक घंटे में हो जाती है, कितना ईंधन खा लेता है ये? 2.5 लीटर एक घंटे में ईंधन खा लेता है ये, और 3 क्विंटल चावल निकाल देता है, सॉरी धान से चावल जो भी निकलता हो। अच्छा, क्या रेशियो रहता होगा धान से चावल निकलने, मान लीजिए कि 1 क्विंटल अगर आपने धान डाले हैं इसके अंदर तो कितना चावल बाहर आएगा निकल करके? अच्छा अच्छा, मोटा अगर धान है तो 70%, और अगर पतला धान है, महीन धान है तो 65%, 5% का थोड़ा सा अंतर होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरा डेमो दिखाने वाला हूँ, इस तरीके से ये धान इसमें डाल दिया जाता है। देखो यहाँ पर, ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखो धान डाल दिया गया, सूखा धान है बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए आप, इसको यहाँ डाल दिया गया है और इसके बाद अभी ट्रैक्टर स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए ड्राइवर साहब अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से जी, और उसके बाद ये देखो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और यहाँ से देखो आप देखेंगे एक सॉफ्ट लगाई गई है और ये सॉफ्ट जो है यहाँ से जा कर के, और ये देखो यहाँ से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। और ये मशीन है जिसमें यहाँ से जो चावल धान डाला गया है यहाँ से उठा करके ऊपर जाएगा, ये देखिए आप ये ऊपर पहुँच रहा है और ऊपर एक ये पहिया लगा हुआ है सॉफ्ट से, वो क्या करता है ले जाता है इस मशीन के अंदर और इस मशीन से उठा करके चावल आता है यहाँ, और यहाँ से चावल डबल सफाई होती है 2 बार, और सफाई होने के बाद फिर चावल देखो आप ये यहाँ देख सकते हो इस तरीके से नाली के माध्यम से आ जाता है, तसले फ्रेश चावल निकलता है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से पूरा मशीन वर्क करती है, और साथ ही साथ आप देखिए बहुत स्पीडली, मतलब एक घंटे के अंदर चावल से 3 क्विंटल धान कूटा जा सकता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक टैंक लगा हुआ है जिसमें भूसा जाता है। अब ये जो भूसा है आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, यहाँ से मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ से देखो ये मशीन चल रही है और यहाँ से ऊपर का छिलका वो पहुँच जाता है इस टैंक में, और इस टैंक को यहाँ से खोल के इसका भूसा यानी कि भूसी निकाल ली जाती है जो बेच दी जाती है बाद में, और यहाँ निकलता है ये कूटा, ये देखिए आप ये निकलता है कूटा,
जिसको हम लोग बूटा गांव की भाषा में कहते हैं, और इस तरीके से ये पूरा मशीन वर्क करती है। और कमाल की मशीन है ना दोस्तों, चलती फिरती मशीन है जो आसानी से चावल, धान से चावल निकालने का कार्य करती है। दोस्तों पूरा मैंने आपको डेमो करके दिखा दिया है चलते फिरते राइस मिल का, और ये देख आपको मिलता है ये फर्स्ट क्लास चावल, जिसको हम लोग अपनी रसोइयों में ले जाते हैं और खीर बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, चावल खाते हैं। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास चावल, देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इस मशीन का, और बहुत ही अच्छी मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा जानकारी भरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस में आपको लगातार जानकारी भरे देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहीं अपना प्यार बरसाते रहिए। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।